अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ पे मैं अपने टेबल की सेटिंग जो है वो चेंज करने लगी हूँ, तो मैं ईद हो या दावत हो मैं टेबल को ज़रूर सेट करती हूँ, चेंज करती हूँ। इससे बहुत अच्छा लगता है, तो आप अच्छा फील करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेबल को क्लीन कर लूँगी, इसके बाद मैं इसमें रनर डालूँगी और इसका जो वेस वगैरह फ्लावर वगैरह चेंज करूँगी। तो चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करने से, इधर उधर करने से तो काफ़ी चेंज आ जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ पे मैंने रनर डाल दिया जो मैंने शीन से ऑर्डर किया था। मैंने आप लोगों से व्लॉग शेयर किया, उसमें मैंने बताया भी था। यहाँ पे मैंने जो ट्रे है वो भी चेंज किया है। यहाँ पे वेस्ट रखा है जो कि ये भी मैंने शीन से ऑर्डर किया था। इसके साथ जो है फ्लावर मेरे पास ऑलरेडी पहले के पड़े हुए थे, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। यहाँ पे ये जो टिशू का केस है ये मैंने ऑलरेडी पहले से लिया हुआ था, ये इसके साथ मैच हो गया। और साथ में मैं कैंडल रखूंगी। कैंडल मैं आइकिया से लेकर आई थी, तो कैंडल आइकिया में इतनी वैरायटी है कैंडल्स की, तो बहुत अच्छी है फ्रेग्रेंस जो कैंडल्स होती हैं। तो मैं आप लोगों से वो भी व्लॉग शेयर करूंगी। मैं रिसेंटली आइकिया गई हुई थी, तो बस ईद की वजह से ना कुछ ईद के व्लॉग डाल रही हूँ, तो इस वजह से वो पेंडिंग हो गया। यहाँ पे ये फाइनल लुक है टेबल की। थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करने से ना बहुत ज़्यादा जो है ना चेंजिंग हो जाती है, डिफरेंस आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो लास्ट ईद पे, छोटी ईद पे ना मैंने ये फ्लावर रखा था ना, इसको भी मैं चेंज कर दूंगी। तो जो मेरे पास पहले का फ्लावर पड़े हुए हैं और वेस, ये मैंने टीमों से मंगवाया था, ये बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला फ्लावर तो मुझे मेरे फेवरेट है। तो इसके अंदर मैंने लाइटिंग भी लगाई हुई है, रखी हुई है जो बैटरी वाली होती है ना, तो बहुत अच्छी लगती हैं। और ये वाला जो क्लिप्स मैंने लिए हुए हैं ये सारे एक ईद से 1-2 दिन पहले के हैं। पहले मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्लीनिंग में कर लेती हूँ। ईद वाले दिन फिर पता है आपको अकेले होते हैं, सारा काम खुद करना होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैट वगैरह भी मैंने चेंज कर दिए थे सारे, पाउडर रूम के, टॉयलेट के और किचन के मैट भी मैंने चेंज कर दिया था। यहाँ पे टॉयलेट का मैट मैंने चेंज किया है और इसके बाद मैं किचन का मैट चेंज करूँगी। ये वाले काम अगर आप पहले कर लेना तो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, फिर ईद वाले दिन जो है ना वो आपको टेंशन नहीं होती। यहाँ पे मैंने किचन का मैट चेंज किया था। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? तो पाकिस्तान में तो बहुत शदीद गर्मी है, लेकिन हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। अभी हमने एयर कंडीशन नहीं चलाए, फ़ैन वगैरह से काम हो जाता है। तो यहाँ पे ईद से जो 1-2 दिन पहले के ये क्लिप्स हैं, मैं अभी यहाँ पे करने लगी थी, खीर बनाने लगी थी। तो जो मीठा होता है वो मैं ईद से पहले बना लेती हूँ, वो रख देती हूँ फ्रिज में 1 या 2 दिन पहले, जो है ना ये सारे काम डन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आज खीर बनाऊँगी, तो खीर तो मस्त ही बनती है। मैं अगर कस्टर्ड बनाऊँ तो मेरे हस्बैंड को होता है कि कस्टर्ड तो बच्चे खाते हैं, ट्राईफल वगैरह, उनको, हम देसी लोग हैं ना, तो देसी लोगों को देसी चीज़ें पसंद आती हैं, तो कहते हैं खीर मुझे अच्छी लगती है, खीर ही बनाओ। तो फिर खीर का थोड़ा सा टाइम लग जाता है खीर बनाने में। आप कहते हैं ना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो खीर जैसे हमारे खाने होते हैं ना, कुक करते जाओ वैसे खीर का भी है। ये यहाँ पे अभी मैं खीर बनाने लगी थी, तो इसमें भी काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, लेकिन खीर बहुत मज़े की बनती है। दूध ऐड किया है मैंने, तकरीबन 2 kg के करीब दूध ऐड किया था। यहाँ पे ये कंडेंस मिल्क है, मैं ये डाल दूँगी, 120 ग्राम का है ये। और यहाँ पे पिस्ता चोको मैंने ग्राइंड किया हुआ है। इसके बाद शुगर है, शुगर आप वाइट भी डाल सकते हैं। और ये मैंने राइस जो है 1 कप, मैं आप लोगों को काफ़ी शो करूंगी, वो मैंने भिगो के रखे थे और ग्राइंड कर लिए हैं। ये फ्रेश क्रीम है और इसके साथ ड्राई मिल्क है। ये सारी चीज़ें अगर आप डालेंगे तो आपकी खीर इतनी मज़े की बनेगी, इतनी मज़े की बनेगी कि आप कहेंगे कि बार बार खाएं। तो यहाँ पे अभी मैंने पिस्ताचू डाल दिया है, आलमंड भी मैं डालती हूँ लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं थे, तो मैंने सिर्फ पिस्ताचू डाला है। इसके बाद आप जैसे नीम गर्म दूध होता है ना, उसके अंदर ही आपने सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। बहुत गर्म दूध में नहीं ऐड करें, वरना आपसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा बिगनर के लिए, क्योंकि अगर आप ड्राई मिल्क भी डालेंगे वो भी हो सकता है गुठलियाँ बन जाएं। इसके बाद जो इलायची है ना वो कम से कम डालें, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, बहुत मैंने देखा है बहुत ज़्यादा इलायची डाल देते हैं लोग, वो मुंह में आती है तो बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे मैंने मिक्स करके राइस जो थे ना वो ग्राइंड किए हुए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल थिन है। और आपने इसको पकाते जाना है, पकाते जाना है, खड़े होना पड़ेगा। ये कप जो है ना राइस के लिए मैंने यूज़ किया था, सिर्फ 1 कप राइस थे। यहाँ पे देखें थिन हो से थिक तक आ गई है मेरी खीर, जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें टाइम बहुत लगा था, लेकिन वीडियो में देखें चुटकियों में काम हो जाता है। यहाँ पे अभी मैं कोफ्ते बनाने लगी थी, तो यहाँ पे जो मसाले होते हैं ना ड्राई वाले वो सारे डाले हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्क्रीन पर लिखे हुए आ रहे होंगे, आप लोग देख लीजिएगा।
और यहाँ पे डाल के मैं मिक्स करके, तो यहाँ पे ये जो बेसन है वो डाल रही हूँ, मैंने भून के रखा हुआ था, देसी घी डाल रही हूँ और एक चम्मच, और साथ में योगर्ट, इनको मैं बना के बाइंडिंग करके तो मैं फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ पे मेरे पास कोरिएंडर जो है मुझे याद आया वो भी डालना है, तो मेरे पास फ्रेश कोरिएंडर तो नहीं था तो मैंने जो फ्रोजन था वो डाल दिया। यहाँ पे मैं इनकी बाल बना लूंगी जितने भी साइज में आपको चाहिए, चाहे आप लॉन्ग शेप में बना लें, राउंड में बना लें, मैंने राउंड में बना के तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। यहाँ पे खीर जो है मैंने डाल दी थी बाउल में, और ये बाउल भी आप लोगों को पता होगा कि मैंने शीन से ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे मैंने इसकी डेकोरेशन कर दूंगी सिंपल तरीके से, मैं इसको डेकोर कर दूंगी और इसको रख दूंगी फ्रिज में, और ये अच्छे से चिल हो जाएगी नेक्स्ट डे तक। यहाँ पे मैंने आज सिर्फ पिस्ता चूसे और थोड़ी सी किशमिश डाल के ना गार्निश किया था, आलमंड मेरे पास नहीं थे, हस्बैंड लेकर तो आ गए थे लेकिन फिर मैंने डाले ही नहीं। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, इसकी लुक ऐसी आती है और बहुत मज़े की खीर बनती है रियली में। यहाँ पे ये ईद का डे है, नेक्स्ट डे जो ईद थी हमारे यहाँ, ईद मंडे को थी तो मैं रेडी होकर आ गई थी, तो यहाँ पे जो मैंने शीन से शूज़ मंगवाया था वो मैंने पहना, और ये ड्रेस मेरी दरानी लेकर आई थी छोटी ईद पे, तो मैंने इसको सेट करके, तो अभी मैंने खुद से इसको सेट किया और मैंने फिर पहना था। यहाँ पे जी ईद के ड्रेस, पाकिस्तानी ड्रेस बहुत अच्छे होते हैं रियली में, लेकिन जब उनके बाजू बहुत खुले होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जब आप काम कर रहे हो तो बहुत डिस्टर्बिंग होती है, आप बार बार बाजू पीछे करते हैं तो, लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं। मुझे वैसे खुले बाजू बहुत पसंद हैं तो मैं वैसे ही लेती हूँ मोस्टली, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पसंद, मुझे लूज लूज कपड़े पसंद है, और कुर्ता जो शेप होती है ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे अभी मैं निकाल रही थी गोश्त, और अब मैं स्टार्ट करूँगी कुकिंग, क्योंकि तकरीबन 8 बजे का टाइम है, तो मेरे हस्बैंड जो है नमाज के लिए चले गए थे। यहाँ पे मैंने गोश्त डाला है, तो आज मैंने सिंपल सी डिशें, 3 डिशें बनाई थी, 4 डिशें थी टोटल जिसमें मीठा डाल के। यहाँ पे अभी मैं कढ़ाई गोश्त के लिए ना डाल रही थी, गोश्त डाला है और टमाटर डाल दिए और बाकी स्पाइस डाल के, जिंजर गार्लिक डाल के इसको मैं बंद कर दूंगी। आज मैंने बनाया था कढ़ाई गोश्त और साथ में मैंने बनाया था काबली पुलाव, और इसके बाद तीसरी मेरी कोफ्ता डिश थी, क्योंकि इस दफ़ा कोई भी नहीं था ईद पे, सिर्फ हम लोग थे, कोई मेहमान भी नहीं थे हमारे घर में, तो हमने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया, तो हमने कहा चलें सही कोई बात नहीं, लास्ट ईद पे हम लोग इतने ज़्यादा लोग थे, इतना मज़ा आया था, तो लेकिन इस दफ़ा हम अकेले अकेले थे तो सिर्फ 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग थे हम टोटल, हमारे दोनों बेटियां डाल के भी 6 ही थे, और इतना फिर मैंने खाने की प्रिपरेशन भी नहीं की, जब आप अकेले हों तो फिर मज़ा भी नहीं आता ना, तो जब लोग हों तो फिर बंदे का दिल करता है आप ज़्यादा से ज़्यादा डिशें बनाएं, तो मैंने सिंपल सी डिशें बनाई थी। यहाँ पे ये जो मसाला है ना ये कोफ्ते के लिए मैंने एक दिन पहले ही रख दिया था बना के ग्राइंड करके, क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है कि आप उसी दिन करें ना। यहाँ पे स्पाइस वगैरह मैंने कोई भी ऐड नहीं किया था, सिंपल जो घर के मसाले होते हैं फिर मैंने उसको डाल के तो मैंने ऐड ऑन कर दिए थे, और इसके बाद मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया है, और योगर्ट ऐड करके इसको मैं भून लूँगी। परदेस में ईद ऐसी ही होती है, जैसे आप जो है ना अगर कोई आ गया तो ठीक है, कोई गेट गेट टुगेदर ऐसे ही होते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स आ जाएं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अकेले ही होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने कोफ्ते डाल दिए, कुछ लोग कहते हैं कोफ्तों को डाल के हिलाना नहीं चाहिए, मैं तो उनको इतना हिलाती हूँ फिर भी नहीं टूटते। तो इसके बाद अभी कढ़ाई जो है ना मैंने गोश्त जो इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया था पैन में, दूसरे में मैंने ऑयल डाला, अभी इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। यहाँ पे मैंने जिंजर और ग्रीन चिली डाल दी है, कढ़ाई जो है ना ऑलमोस्ट मेरी डन हो चुकी है। पहले मेरा प्रोग्राम था कि मैं बना लूँ निहारी, फिर मैंने सोचा निहारी अभी नेक्स्ट जो है ना मैं आप लोगों से व्लॉग शेयर करूँगी, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अपने जैपनीज़ दोस्तों को मैंने बुलाना है खाने पे, तो फिर मैंने सोचा उस वक्त मैं निहारी बनाऊँगी, आज मैं कढ़ाई ही बना लेती हूँ। यहाँ पे अभी मैं राइस की प्रिपरेशन करने लगी हूँ, तो मैंने कैरेट काट के पहले ही रखी हुई थी, और इसके बाद इसको मैं फ्राई करके तो काबली पुलाव के लिए रखने लगी हूँ। यहाँ पे देखें कोफ्ता मेरा बहुत मज़े का क्रीमी क्रीमी टेस्ट में रेडी हो गया था लुक में, तो ये मैंने रख दिया था सबसे पहले ही ना साथ में ही रखा था, जैसे गोश्त रखा था इसके बाद कोफ्ते भी रख दिए थे, ये अच्छे हाथ से पकते रहें पकते रहें, इसके बाद इनकी जो है कंसिस्टेंसी इस तरह की हो गई है। यहाँ पे मैंने रेज़न भी डाल दिए हैं, इनको मैं फ्राई कर लूँगी, रेज़न को थोड़ी देर के लिए ना भिगो के रखा हुआ था, अभी मैं थोड़ी सी शुगर ऐड कर रही हूँ, अब अगर आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है, कैरेट वैसे भी मीठी होती है।
और रेजन थी। यहाँ पे इनको फ्राई करके रखूँगी। और रेजन्स मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन जो अमेजोन से, और रेली में इतनी ज़्यादा उनमें रेत थी कि मैंने दो धो के धोए तब जाके कहीं उनकी रेत निकली है। तो वो थे तुर्की के हैं, लेकिन मेरे से गलती होगी, मैं अगर वैसे यहाँ से शॉप से लेती ना तो वो ज़्यादा बेस्ट। यहाँ पे अभी मैंने पुलाव के लिए गोश्त है वो बॉईल करके बीफ का बना रही हूँ मैं, तो मैंने रख दिया था। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके, जो यखनी होती है वही मैंने ऐड की थी, और इसके साथ अभी मैं राइस ऐड कर दूँगी। तो काबुली पुलाव भी बहुत मज़े का बनता है, तो इसमें स्पाइस बहुत कम होती हैं। मैंने रेसिपी तो कोई भी शेयर नहीं की, क्योंकि एक दफ़ा मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, और वैसे भी जब आप वीडियो बना रहे होते हैं ना तो फिर बहुत लंबी हो जाती है रेसिपी, शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने जस्ट वीडियो करती गई हूँ और चीज़ें डालती गई हूँ, आप लोगों से शेयर नहीं की। अभी मैं इसमें दम लगाने लगी हूँ, तो साथ ऊपर मैं कैरेट और जो रेजन्स होते हैं वो डाल दूँगी। और इसके बाद मैं मोस्टली गीले कपड़े से ही दम लगाती हूँ, कंदूरी को मैं गीला कर लेती हूँ, इसके बाद इसको मैं दम लगा दूँगी, वो बहुत अच्छे से दम आ जाता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी हो गई थी और मैं आ गई थी, बैठ की थी, और ये वही शूज़ हैं और प्रेस ऑन नेल मैंने लगाए थे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये भी मैंने शीन से ही आई थिंक ऑर्डर किए थे या टीमू से। तो मैं बैठी हुई थी, यहाँ पे मक्खियाँ भी नहीं है, खैर ये तो मजाक था क्योंकि मैं मारती। तो यहाँ पे नेल मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने इतना काम किया है, दो तीन नेल मेरे उतरे हैं, ये वाला और ये वाला और दूसरा फर्स्ट वाला जो फिंगर जो होती है ना उसका। और लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, लेकिन पानी का काम करें ना तो फिर ये यूज़ेबल नहीं है। मैंने इतना काम किया पानी का, हाथ मार मार के उन्होंने उतरना तो था, फिर मैंने दोबारा से डबल टेप लगाई है और उसको स्टिक किया है। यहाँ पे अभी मैं बनाने लगी हूँ ड्रिंक, इसमें मैंने पैशन फ्रूट डाला है, ऑरेंज डाला है, और इसमें मैं बाकी ड्रिंक्स मिक्स करके कॉकटेल बना लूँगी। जैसे मैं प्रेस ऑन नेल की बात कर रही थी ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ अगर आप बाहर जाएँ ना तो फिर आप लगा लें, उतरते नहीं है ऐसे, पानी की वजह से उतरते हैं। तो किचन में तो आपको पता है पानी वाला काम होता है। यहाँ पर मैंने ड्रिंक्स डाली हैं, साइडर मैंने लेकर आई थी, एक मेरा ऑरेंज वाला था, एक मेलन वाला था और साथ में पीच वाला, ये मैंने मिक्स कर दिया और बहुत मज़े का टेस्ट बना था। और इसके बाद जो है ना, जो पैशन फ्रूट है ना वो जब मुंह में आता है ना बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये ड्रिंक भी मैंने रेडी कर दिया था। और इसके बाद जो है, सब लोग आगे हुए थे, बैठे हुए थे, सब लोग क्या थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड का एक भतीजा था, बेटी थी बड़ी वाली। और यहाँ पे अभी मैं जो है ना टेबल लगा रही हूँ, सिंपल सा खाना मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा मैंने एफर्ट नहीं की, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये फाइनल लुक थी मेरे पुलाव की, वो मैं डिश आउट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब लोगों का, ईच एंड एवरी थिंग का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के देखने से, आप लोगों के लाइक करने से ही जो है हमें मोटिवेशन मिलती है, हम काम करते हैं। और जाहिर सी बात है वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है इसमें, ये भी इजी काम नहीं है। आप वीडियो बनाते हैं साथ साथ जो काम 1 घंटे का होता है वो 4 घंटे में कंप्लीट होता है। तो लेकिन ये होता है कि चलें, इंसान इसी बहाने कुछ ना कुछ करता रहता है। यहाँ पे वैसे भी थोड़ी सी लाइफ ऐसी है कि आप बहुत बोर भी हो जाते हैं, टाइम भी काफ़ी होता है, लेकिन ये है कि अगर आप कुछ करते रहें तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाता है। और मैंने चैनल भी इसीलिए बनाया था कि मेरा टाइम अच्छे से पास हो जाए, मैं कुछ ना कुछ करती रहूं, खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। तो यहाँ पे फाइनल लुक थी खाने की, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, एंड अगेन ईद मुबारक।